हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल्स का एक क्वेश्चन। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन फाइंड एंगल AOB। बच्चे क्वेश्चन में कह रहे हैं दो टेंजेंट्स हैं PA और PB, PA एंड PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P पॉइंट से सर्कल पे आ रहे हैं और उसका सेंटर है O। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये जो दो टेंजेंट्स इंक्लाइन कर रहे हैं यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है, हमें एंगल AOB फाइंड करना है। AOB मींस ये वाला एंगल फाइंड करना है, सेंटर वाला। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड 2020 में पूछा गया था ये और बहुत ईजी भी है। देखो NCERT में हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी हुई है, उस थ्योरम में क्या होता है कभी भी टेंजेंट और रेडियस का जब कांटेक्ट होता है तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है यहां पे, यानी OA जो है AP पे परपेंडिकुलर हो जाता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है तो इसमें बस वही थ्योरम का यूज करना है, सेम यहां पे भी 90 डिग्री हो जाएगा, OB जो है PB पे परपेंडिकुलर है ना तो यहां पे भी 90 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ना आपको ये मेंशन करना पड़ेगा OA परपेंडिकुलर टू AP। और साथ साथ OB परपेंडिकुलर टू BP। ठीक है इसका यहां पे रीजन आ जाएगा थ्योरम 10.1। नेक्स्ट एंगल OAP हो जाएगा 90 डिग्री, इसी तरह से एंगल OBP हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है अब इसके बाद देखिए बच्चे ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल AOBP। ठीक है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल OAP इक्वल टू 360 डिग्री। अभी आपको बताता हूं ये एंगल्स कौन कौन से हैं। AOB हो गया बच्चे ये सेंटर वाला, सेंटर वाला हो गया AOB। दूसरा एंगल है देखो OBP यानी ये वाला। थर्ड एंगल है BPA ये 80 डिग्री वाला, और फोर्थ है OAP ये वाला। ठीक है एंगल AOB का तो एंगल AOB देगा बिल्कुल सेम, OBP की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस BPA की वैल्यू बेटा 80 गिवन है क्वेश्चन में, OAP भी 90 डिग्री है इक्वल टू 360 डिग्री, AOB प्लस 90 90 180 180 एंड 80 260 इक्वल टू 360, AOB इक्वल टू माइनस 260। ठीक है 360 माइनस 260 आ जाएगा 100 डिग्री। ओके बच्चे बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करें।